सत श्री अकाल डी फाइव चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं धर्मेंद्र संधु स्वागत करदा। पूरे उत्तर भारत के मानसून की आमद हो चुकी है, जिस तो बाद दे विच वख-वख थावां दे उत्ते मींह दा ये मंजर है कि सड़कां दे उत्ते पानी भर चुकया है। तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकते हो, तस्वीरां पटियाला दीआं ने। पटियाला जो बिल्कुल चंडीगढ़ के नज़दीक पैंदा है, पटियाला दे विच इस वेले कालियां घटावां चढ़िया होईयां ने ते बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो जिस तरह तुसी सड़क का हाल देख सकते हो, व्हीकल भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन्हां व्हीकलों का पानी तुसी देख सकते हो कि किस कदर सड़कों के उत्ते पहुँच चुकया है। तो इस तो इलावा उत्तर भारत के नाल नाल होरना इलाकों के विच भी पूरी बरसात हो रही है। खास तौर के उत्ते जेकर उत्तर भारत की कल की गल कर लिए, दिल्ली के विच भी मीह पै रहा है। हिमाचल प्रदेश हरियाणा पंजाब के विच इस वेले मौलेधार बारिश होंदी दिखाई दे रही है। तो हिमाचल प्रदेश के विच हालात बेकाबू होंदे नज़र आ रहे हैं। लोगों का जानी तो माली नुकसान हो रहा है, कई घर पानी के वह चुके हैं, लोगों के वहीकल गड्डियां कीमती गड्डियां पानी के वहदिया नज़र आ रही ने। इस पूरे मौसम के चलद किस तरह का मौसम रहेगा, कदों तक यह बारिश की संभावना है, इसको लैके असी चंडीगढ़ तो मौसम विज्ञानी ए के सिंह होर फोन के उत्ते गलबात भी की है। ए के सिंह जी, जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं, मानसून की आमद हो चुकी है, तो किस तरह का मौसम रहने वाला है, खासकर पंजाब की बात की जाए, चंडीगढ़ की बात की जाए, हरियाणा और हिमाचल की? देखिए, मैं हिमाचल के बारे में बोलने का ऑथराइजेशन नहीं मिला, वो सुनने वाले ही बोलेंगे। मैं सिर्फ पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ के बारे में बात करूंगा जी। तो जहाँ तक मानसून एक्टिविटी की बात है, यहाँ पर मानसून की अर्ली एंट्री हो चुकी है। यूजली पंजाब और हरियाणा जो है कवर होता है 5 जुलाई तक, लेकिन इस बार 2 जुलाई को ही मानसून पूरे इंडिया में कवर हो चुका है। इंडिया में 8 जुलाई तक खुलता है, लेकिन मानसून जो है 2 जुलाई तक ही पूरे इंडिया में कवर हो चुका है। तो मानसून अभी पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है। और अभी जो आप सिचुएशन देख रहे हैं वो सिर्फ मानसून के कारण ही नहीं है, अभी तो मानसून तो है ही, एक्टिव है ही, इसके साथ ही एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आ गया है। तो जिसके कंबाइंड इफेक्ट के चलते आप जो वेदर ऑब्जर्वेटर्स आपको पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या फिर पंजाब और हरियाणा में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसमें कंबाइंड इफेक्ट है। मानसून भी एक्टिव है, साथ साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव है जी। और कितने दिन तक ऐसा मौसम रहने की संभावना है? जहाँ तक हमारा अनुमान है कि आज भी इसी तरीके से मौसम रहने की संभावना है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में, और कल से इस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा जी। हाँ। और उसके आगे की क्या अपडेट है, कितना एक्टिव रह सकता है पंजाब और हरियाणा में मानसून? देखिए, मानसून तो पूरी तरह से एक्टिव है, पूरी तरह से एक्टिव है। और जैसे कि हम लोग जो अलर्ट भी तो जारी करते हैं, अब ये 5 दिनों के लिए हम लोग अलर्ट जारी करते हैं, लेकिन उसमें जैसे हमारे अलर्ट का भी ये होता है, जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया जी। तो उसमें क्या होता है, ग्रीन मतलब ये नहीं हो गया कि ये हो गया, मतलब कि मानसून एक्टिव नहीं है, मानसून एक्टिव है लेकिन नॉर्मल बारिश होगी। और जब हम हेवी या वेरी हेवी या एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होता है तो हम लोग इसके लिए अकॉर्डिंगली अलर्ट जारी करते हैं प्रिपेयरनेस के लिए जी। तो अभी जैसा सिचुएशन है कि हम लोगों ने मतलब कि कुछ पार्ट पे येलो और कुछ पार्ट पे हम लोगों ने सॉरी येलो कुछ पार्ट पे ऑरेंज और कुछ पार्ट पे हमने येलो अलर्ट भी रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है। ऐसे हम लोगों ने और ये अलर्ट को हम लोग कॉन्स्टेंट इंटरवल पर अपडेट करते रहते हैं बेस्ड अपॉन ये वेदर कंडीशन। जैसे कल रात को ही हम लोगों ने चंडीगढ़ के लिए आपको रेड अलर्ट जारी किया था, चंडीगढ़ अम्बाला पंचकूला हालात काफी खराब हो चुके ने। बारिश का इंतजार किया जा रहा है गर्मी के मौसम के, पर यह बरसात किसानों वास्ते भी थोड़ा जा चिंता का विषय बन सकती है। कारण यह है कि खेतों के झोने की फसल लग रही है, तो झोने की फसल में जिन्ना क पानी चाहिए होंगे उस तो वादे बरसात ने पानी दे दिता, जिस तो बाद उन्होंने भी चिंता बढ़ चुकी है। तो लोगों का आना जाना मुश्किल हो चुका है, लोग घर एक तरीके दे नाल बंद हो चुके हैं, क्योंकि मानसून की यह बरसात है। पूरे उत्तर भारत के मानसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिता है। जिवें कोई अपडेट आएगी लैके फिर हाजिर होवांगे। कैमरामैन अतुल वर्मा दे नाल मैं धर्मेंद्र संधु, जुड़े रहो डी फाइव चैनल पंजाबी दे नाल। डी फाइव चैनल पंजाबी ते होवेगी भख दे मुद्दयां दी गल, सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल।
D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां निरपक्ष रहांगे आजाद हां सच कहांगे गल करांगे सियासी हवा दी होणगे हुकमराना नूं सिद्धे सवाल सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल उभरांगे पंजाब दी आवाज बन होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे खोलांगे अंदरूनी राज बणांगे बुलंद आवाज खेड सिक्ख्या सेहत खेती दी बात पावांगे हर पिंड हर शहर जावांगे मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल की ने साडे कानून फर्ज ते अधिकार की करदी है साडी सरकार की है तुहाडी मुश्किल दा हल D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल धर्म धरोहर सेहत और संस्कृति की होगी बात अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर D5 चैनल पंजाबी अपनी धरती अपने लोग ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।